तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आप इन तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। जानकारी हासिल करते हुए अशोकनगर की ये तस्वीरें हैं टीवी स्क्रीन पर आपके। चंदेरी साड़ी किस तरह से यहाँ पर बनती है, किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है, कैसे उत्पादन होता है, इन तमाम चीज़ों की जानकारी यहाँ पर मुख्यमंत्री ये जो कारीगर हैं उनसे ले रहे हैं। और मध्य प्रदेश की फेमस चंदेरी साड़ी, जिसके मुरीद देश में नहीं बल्कि विदेश के लोग भी होते हैं, यहाँ देखिए फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत अभिनंदन किया गया है। तो मध्य प्रदेश सरकार आज जन्माष्टमी का उत्सव मध्य प्रदेश में हर जिले में अलग अलग क्षेत्रों में धूमधाम से मनाया जा रहा है, इसके लिए शासकीय आदेश भी जारी किया गया था। और ये इन तमाम कारीगरों से जानकारी मुख्यमंत्री हासिल कर रहे हैं, मशीन कैसे इस्तेमाल की जाती है, कौन सी मशीन है, कहां से ली गई हैं मशीनें, कितनी साड़ियां बनाई जाती हैं, कहां कहां भेजी जाती हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर ये जानकारी मुख्यमंत्री हासिल कर रहे हैं। अशोकनगर की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। तो ये जिले की ऐतिहासिक नगरी चंदेरी पहुंचे हैं, अशोकनगर के चंदेरी, जहां पर बुनकर पार्क में बुनकरों से मुलाकात कर रहे हैं। उसके बाद यहां रोड शो भी होना है और रोड शो के बाद लक्ष्मण मंदिर में भगवान कृष्ण की पूजा भी करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। तो ऐतिहासिक नगरी चंदेरी में इस समय है। यहां पर तमाम मशीनों के जरिए चंदेरी साड़ी का उत्पादन होता है और यही जो श्रमिक लगे हुए हैं, जो बुनकर लगे हुए हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। जो बुनकर हैं, हाथ के कारीगर, जादूगर, और उनसे इस बातचीत के जरिए तमाम जानकारियां, उनके अनुभव जान रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। आप बैकग्राउंड में खटखट आवाज भी सुन पा रहे होंगे, ये इन्हीं मशीनों की आवाज़ है जिनके ज़रिए साड़ी का उत्पादन होता है। वही दतिया के इंदरगढ़ में एक बस से मिलावटी मावा भेजे जाने की सूचना पर पुलिस ने चेकिंग की। चेकिंग के दौरान बस से 11 क्विंटल मावा जब्त किया गया। पुलिस ने खाद्य विभाग को इसकी जानकारी दी और खाद्य विभाग ने सैंपल लिया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर, आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। बस को रुकवाया गया, 11 क्विंटल मावा इस बस से मिला। पुलिस ने खाद्य विभाग को जानकारी दी, खाद्य विभाग ने सैंपल लिया इस मावे का, ये चेक करने के लिए कि कहीं ये मावा मिलावटी तो नहीं, नकली तो नहीं, जहर तो नहीं, क्योंकि नकली मावा सेहत के लिए जहर का काम करता है। वहीं कुशाभाऊ ठाकरे की जयंती पर भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव कुशाभाऊ ठाकरे सभागार पहुंचे और पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान सीएम ने बड़ा ऐलान किया, भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सेंटर में गैलरी बनाने का ऐलान करने के साथ ही
धार में कोषाभाऊ ठाकरे को लेकर स्मारक बनाए जाने की बात कही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कृष्ण के आदर्शों को कुशाभाऊ ठाकरे ने अपने जीवन में अपनाया और उन्होंने अपना जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिया। सीएम की माने तो जनसंघ से लेकर वर्तमान बीजेपी को गढ़ने का काम कुशाभाऊ ठाकरे ने किया है। इस अवसर पर कुशाभाऊ जी का वो लंबा योगदान हम सबके लिए सदैव प्रेरणा का एक काम करेगा। मैं उनको स्मरण भी कर रहा हूँ और सरकार की ओर से हम कुशाभाऊ जी के उस जीवन के विविध पक्षों को समाज में लाने के लिए धार में भी एक स्मृति का उनका अपना जैसा संगठन चाहेगा स्थान बनाएंगे। यहाँ भोपाल में भी कुशाभाऊ ठाकरे ये जो हॉल है इसमें गैलरी बना करके उनके सभी जीवन के पक्षों को सामने लाने के लिए आगे बढ़ेंगे। वहीं आगर मालवा के कैचमेंट एरिया के कुंडालिया डैम में जलस्तर बढ़ गया है। हालात ऐसे बन गए हैं कि डैम के 6 गेट खोलने पड़े। गेट खोलने की वजह से निचले इलाके में बाढ़ जैसी स्थिति बनने की आशंका जाहिर की गई है। इसके बाद प्रशासन ने अलर्ट जारी किया और तेज बहाव वाले इलाकों से दूर रहने की चेतावनी जारी की है। जय कन्हैया लाल की। जी हाँ, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व है। पूरे देश प्रदेश को कान्हा के आने का इंतजार है। तो वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी जन्माष्टमी के पर्व पर लोगों को बधाई दी। सुबह गौ सेवा से अपने दिन की शुरुआत की और प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए भगवान कृष्ण की राह पर चलने की बात कही। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर ग्वालियर के गोपाल मंदिर में भव्य सजावट की गई है। यहां भगवान कृष्ण और राधा की प्रतिमा का सुंदर श्रृंगार किया गया है। दोनों की प्रतिमा को 100 करोड़ रुपए के रत्न जड़ित आभूषण पहनाए गए हैं, जिसके बाद मंदिर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। इन आभूषणों की सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी की जा रही है। तो सुशील कौशिक हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सुशील, किस तरह की रौनक जन्माष्टमी के इस मौके पर देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए आज जन्माष्टमी के मौके पर ग्वालियर के गोपाल मंदिर में खास उत्सव मनाया जाता है। दरअसल 103 साल पुराने सिंधिया रियासतकालीन गोपाल मंदिर में भगवान राधा कृष्ण की जो प्रतिमाएं हैं उन प्रतिमाओं को 100 करोड़ से ज़्यादा के एंटीक गहनों से सजाया जाता है और यही वजह है कि इस स्वरूप को देखने के लिए दूर दूर से भक्त आते हैं। और ठीक 12 बजे यहाँ इस गोपाल मंदिर में भव्य श्रृंगार हुआ भगवान राधा कृष्ण की प्रतिमाओं का और उसके बाद यहाँ भक्तों के दर्शन शुरू हुए और इस दर्शन के साथ ही 24 घंटे तक भगवान राधा कृष्ण इस सिंधिया रियासतकालीन मंदिर में सजीले स्वरूप में भक्तों को दर्शन देंगे। और यही वजह है कि आज 24 घंटे के लिए भगवान राधा कृष्ण जब यहाँ श्रृंगार करते हैं करीब 100 करोड़ से ज़्यादा के एंटीक गहनों से, तो इस श्रृंगार को देखने के लिए इनके दर्शन करने के लिए दूर दूर से भक्त आते हैं। हालाँकि अभी दोपहर का वक्त है लेकिन भक्तों का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। भक्त, आप ही बताइए कि आज किस तरह का खास उत्सव है? ठीक है सुशील, लौटेंगे आपके पास, आप बातचीत करते रहिए। यहाँ तमाम श्रद्धालु